जैसे इनका पता चला वो आए, तो फिर एक हफ्ते में फिर हमारा वो हाफ पे आ गया था, जो 11 पॉइंट समथिंग था वो 6 पॉइंट समथिंग आ गया था। नेशनल खबर में आपका स्वागत है और मैं प्रज्ञा झा। आज नेशनल खबर की टीम जो है हिम्स प्रीमियर में है और मरीजों से लगातार मुलाकात का सिलसिला जो है जारी है। और यहाँ पर हम अभी थेरेपी वार्ड्स में जाकर आए हैं, हम अभी पंचकर्मा वार्ड में जाकर आए हैं, डाइट हमने पूछी है और यहाँ पर जो वार्ड्स में या रूम्स में जो पेशेंट्स हैं उनसे भी हमने बात की है, डॉक्टर से हम बात कर चुके हैं। लेकिन यहाँ पर हमारे साथ एक पेशेंट हैं जिनके हम बिफोर और आफ्टर के बारे में जानने वाले हैं। फर्स्ट डे जब वो यहाँ पर आए थे और हमने उनसे बात की थी, तब क्या था और आज 15वें दिन उनके जो प्रॉब्लम है उसमें कितना सुधार है, इस पर बात करने वाले हैं। मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर जयश्री, आपको बहुत स्वागत है। थैंक यू। और मेरे साथ मौजूद है मिस बलविंदर कौर जी, और कैसा महसूस कर रहे हैं? ठीक, बिल्कुल अब ठीक है। पहले दिन आए थे और आज में क्या फ़र्क है? बहुत फर्क है। पहले दिन तो बिल्कुल, एक तो डरे हुए थे हम कि वो करवाएंगे, डॉक्टर हॉस्पिटल में बोल दिया था कि डायलिसिस करना है आपका, और हम उससे डर रहे थे बहुत। हमने डायलिसिस नहीं करवाना हमने, तो फिर हम जैसे इनका पता चला वो तो हमने फर्स्ट टाइम बता ही दिया था कि आए, तो फिर एक हफ्ते में फिर हमारा वो हाफ पे आ गया था, जो 11 पॉइंट समथिंग था जी जी, वो 6 पॉइंट समथिंग आ गया था। 15 दिन के अंदर हुए? नहीं, वो 7-8 डेज ही हुए थे। हाँ जी हाँ जी, ठीक है। उसके बाद फिर हमने फिर कंटिन्यू ज्वाइन कर लिया एक हफ्ते के लिए, और कि मतलब थोड़ा और हमें मतलब और ठीक हो सके या बंद ही हो जाए दवाइयाँ, है ना? हाँ, दवाइयाँ बंद हो जाएं बिल्कुल। वो 1.5-2 पे होता है, जैसे जो नॉर्मल जो होता है उस पर आ जाए तो हमारा कुछ टाइम और अच्छा निकल जाए। तो अभी लग रहा है हमें कि बिल्कुल ठीक है, क्योंकि अभी टेस्ट दोबारा हमने करवाए नहीं है। हाँ जी जब डॉक्टर जयश्री, अब कुछ रिपोर्ट्स पर चर्चा कर लेते हैं। हाँ, जब मैम हमारे पास आई थी काफ़ी सारी परेशानियों को लेकर, जैसे अभी उन्होंने कहा काफ़ी ज़्यादा घबराई हुई थी, सो उनका रिपोर्ट्स जो बिफोर एंड आफ्टर की, मैं ये बता देती हूँ, ये 30 सितंबर की रिपोर्ट है जिसमें इनका यूरिया 143.83 था एंड अभी इट इज़ 141.9 एंड क्रिएटिनिन जो 11.33 में था दैट इज 6.5। यस, एंड द अदर थिंग जो BUN बोला जाता है, सो दैट इज़ ऑल्सो 67, जो भी 66 पे है। और इसके अलावा काफ़ी सारे पैरामीटर्स में इनका बहुत ज़्यादा ही डिफरेंस नज़र आ रहा है, सुधार हुआ है। यस, पेशेंट्स जो हैं वो कोऑर्डिनेट नहीं करते हैं कभी कभी, तो मैम ने किया कोऑर्डिनेट पूरी चीज़ों। यस, मैम ने पूरा कोऑपरेट किया, जो हमने कहा वो डाइट ली, जैसे हमने कहा वो सारी थेरेपीज़ की, घर जाके भी इन्होंने उल्टा सीधा कुछ खाया नहीं। एंड जो मैं रिपोर्ट्स आपको बता रही हूँ, दिस इज़ विद इन 7 डेज। 7 डेज के अंदर? यस, और उनका उतना अच्छा लगा कि उन्होंने और 7 डेज एक्सटेंड करवा लिया है। ओके, एंड वो खुद बोल रही हैं कि और लोगों को लेके आएंगे। ये तो चलिए अच्छी बात है, लेकिन आप मुझे बताइए एक्सपीरियंस कैसा है, स्टाफ्स का एक्सपीरियंस, खाने का एक्सपीरियंस, डाइट का एक्सपीरियंस? हमें तो ठीक लगा, जो हमारे रूम में था वो तो सब ठीक था, टाइम से आता है, सब हर चीज़ आती है, पूछते हैं जो वैसे वो लोग वो भी हैं, डॉक्टर्स तो वैसे ही अच्छी हैं, सारी डॉक्टर सब अच्छी हैं। तो यहाँ पे जो डाइट वगैरह है, मैंने सुबह देखा कि यहाँ पे डोसा दे रहे थे, तो डोसा देते हैं? ये मेरे ख्याल सैटरडे संडे को देते हैं। सैटरडे संडे डाइट चार्ट होता होगा पूरी तरीके से, क्या डिज़ाइन करते हैं? एक्चुअली पेशेंट का उनके डिजीज़ के हिसाब से कस्टमाइज़ की जाती है, तो सबके लिए एक जैसा नहीं होता, तो इसीलिए शायद बोला। रोज अप्रिशिएट करती हूँ जो कुक जो बनाते हैं ना, मैं रोज उनको यही बोलती हूँ बहुत अच्छा बनाते हो, मुझे भी 2-3 सिखा देना। रेसिपी बुक लेकर बोलो प्रॉपर मैम जाए वगैरह, मैं बड़ी शौकीन हूँ ना, तो मैं तो फटाफट पीती हूँ जैसे सूप आता है। अच्छा। तो मैंने कहा मुझे सिखा देना, कह रहे हाँ सिखा देना। बिल्कुल, इनकी स्माइल देख के लग रहा है कि इन्हें बहुत पसंद आ गया है। हाँ मैम को काफी ज्यादा पसंद आया है। चलिए, तो आप ओवरऑल क्या रिव्यू देंगे यहाँ पे 15 डेज के बाद? मैं तो कह रही हूँ सब आए जो, हाँ बिल्कुल बढ़िया है। और ओके, बस मेरा लास्ट सवाल आपसे और होगा जयश्री, कि क्या थेरेपी वगैरह यहाँ पे प्रोवाइड करते हैं आप लोग एक किडनी पेशेंट को? किडनी पेशेंट के लिए हमारी हॉट वाटर रिवर्शन थेरेपी होती है, हेड डाउन टिल्ट, पंचकर्मा, उसमें नेचुरोपैथी आती है, योगा आता है, एंड मंत्र मर्म थेरेपीज एंड साउंड थेरेपीज,
ये सारी आती हैं, ये सारी चीजें। हाँ जी, तो जो थेरेपी बता रहे हैं कराई गई है सारी? बिल्कुल बिल्कुल, सारी कराई, सारी कराई गई है मैंने कोई। हाँ कोई नहीं, शुभान जी, थैंक यू सो मच मैम, बहुत शुक्रिया आपका जय। थैंक यू। तो ये थी पूरी जानकारी, और हमारे साथ और भी पेशेंट्स जो हैं वो जुड़े हैं, तो आप उनकी बात भी दूसरे प्रोग्राम में जाकर ज़रूर सुन सकते हैं कि यहाँ पर किस तरीके की थेरेपीज़, इलाज, डाइट, सारी चीज़ें प्रोवाइड की जा रही हैं। तो इसी तरीके की और खबर के लिए आप नेशनल खबर के साथ बने रहिए।